हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो आई हैव गिवन टू यू वन प्रोजेक्ट ऑन सर्वे ऑफ 10 फैमिलीज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एज एंड क्लासिफाई दिस इंफॉर्मेशन इनटू द 3 एज ग्रुप्स, दैट इज इन चिल्ड्रन, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन्स. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव कंप्लीट दिस होमवर्क. सेक्स रेशियो. सो सेक्स रेशियो भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसके ऊपर, मतलब किसको अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन को अफेक्ट करता है. ठीक है, सो पॉपुलेशन कंपोजिशन से पहले को और अच्छे से समझने के लिए हम सेक्स रेशियो को समझेंगे और अच्छे से. सेक्स रेशियो को पहले डिफाइन करेंगे. सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 मेल के कंपैरिजन में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो. सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. द सेक्स रेशियो हैज़ बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली सिंस 1951. ओके, 1951 से कंसिस्टेंटली मतलब एकदम, मतलब उस टाइम से लेके जो यहाँ पे जो ईयर है 1951, दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर, सिंस दिस ईयर मीन्स व्हाट, कि यहाँ से स्टार्ट होते हुए आज तक जो है वो कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है सेक्स रेशियो. अब सेक्स रेशियो डिक्रीज़ कर रहा है मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ फीमेल डिक्रीज़ कर रही है पर 1000 मेल्स. ठीक है, सो पर 1000 मेल पे अगर नंबर ऑफ फीमेल डिक्रीज़ करेगा तो उसका सेक्स रेशियो भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा. ओके, यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नेम गिवन है. पहले तो हमारी कंट्री इंडिया में टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल कितना है, 940 है. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60 जो है वो कम हो रहा है, 60 इज़ लेस इन 1000. ओके, सो 60 फीमेल्स आर लेस कंपेयर टू 1000 मेल्स. ओके, फिर है ना, हम स्टेट वाइज देखेंगे. स्टेट वाइज में भी देखो, अभी गुजरात स्टेट में देखो, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, राजकोट, कच्छ, इनमें रेड अलर्ट जारी किया हुआ. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं रीड नहीं कर रही, आप लोग रीड कर लेना सेपरेट. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, असम, अंडमान निकोबार, इन सब में जो है वो नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल का रेशियो गिवन है. अब यहाँ पे हम गुजरात स्टेट में रहते हैं तो हम गुजरात स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, राजकोट और कच्छ. इन 5 डिस्ट्रिक्ट में बेटा रेड अलर्ट कर दिया. रेड अलर्ट क्यों कर दिया, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स है फेल मतलब गिर गया है, नंबर गिरना मतलब यहाँ पे डिक्रीज़ होना, फ्रॉम 987 टू 964. पहले कितना था, 987 था, अभी वो रिड्यूस होके कितना हो गया, 964 हो गया पर 1000 मेन. ठीक है, सो मेन का जो नंबर है वो तो 1000 ही है, बट फीमेल का नंबर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज़ हो गया है. नाउ जूनागढ़ में भी सेम सिचुएशन है, द नंबर ऑफ़ फीमेल्स फेल फ्रॉम 955, पहले कितने थे, पहले तो और भी कम थे, 955 थे, अभी 952 हो गए पर 1000 मेन. सेम वे इन भावनगर, द नंबर ऑफ़ फीमेल्स फेल फ्रॉम 937 टू 931 पर 1000 मेन. एंड इन राजकोट, द नंबर ऑफ़ फीमेल्स फेल फ्रॉम 932 पर 1000 मेन. और कच्छ में जो फीमेल का नंबर है वो 942 से 907, तो आप देख सकते हो कच्छ में सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट आया है. ठीक है, पर 1000 मेन फीमेल के नंबर्स में. ओके, सो द गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च्ड बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड कंपेन टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड. फीमेल फेटिसाइड को मतलब रोकने के लिए, फेटिसाइड मतलब समझते हो, जो बच्चा बोर्न होता है ना, फेटिसाइड मतलब फीमेल फेटिसाइड, बच्चा बोर्न होता है उससे पहले उसको मदर के जो यूरेटस होता है उसमें उसको मार दिया जाता है, मीन्स मदर के गर्भ में जो है वो बच्चे को मार दिया जाता है, उसको बोलते हैं फेटिसाइड. सो फीमेल फेटिसाइड होने से रोकने के लिए, अब फेटिसाइड कौन से बच्चे को मार दिया जाता है, बेबी गर्ल को. ठीक है, गर्ल चाइल्ड अगर पेट में होती है तो उसको बोलते, उसको मार दिया जाता था पेट में ही, इसको बोलते हैं फेटिसाइड. तो इस फीमेल फेटिसाइड को रोकने के लिए क्या कंपेन, यानी कि अभियान चलाया गया है, कौन सा अभियान, बेटी बचाओ एंड सेव द गर्ल चाइल्ड. ओके, अब हम बात करेंगे लिटरेसी की. लिटरेसी क्या होता है बेटा, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं. ठीक है,
अब वो भी जो है ये लिटरेसी भी जो है वो पॉपुलेशन कंपोजिशन पे अफेक्ट करता है. द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री. प्लीज़ अंडरलाइन करो, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए अगर हमें तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा बेटा, लिटरेसी रेट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. लिटरेसी इज़ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू मेज़र द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट. अब लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये मेज़र करता है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स सोशल डेवलपमेंट. लोग किस तरह से लहर मतलब कौन सी किस तरह की पॉपुलेशन में रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, एजुकेटेड स्टैंडर्ड है या फिर बैकवर्ड स्टैंडर्ड है या इलिटरेट है, उसको डिफाइन करता है और सोशल डेवलपमेंट को भी वो डिफाइन करता है, मेज़र करता है. सो लिटरेसी इज़ ऑल्सो द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. ठीक है, तो कोई भी नेशन है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उसकी जो की है दैट इज़ द लिटरेसी. सो डिफिनेशन ऑफ लिटरेसी वॉज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ सेंसस ऑफ 1991. ठीक है, तो लिटरेसी का जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड कर दिया गया था किस टाइम पे, जब 1991 का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी. अकॉर्डिंग टू इट और उस सेंसस के अकॉर्डिंग इट एनी इंडिविजुअल हु इज़ 6 years और अबव द एंड हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज मे बी कंसिडर्ड एज लिटरेट. प्लीज़ इसको अंडरलाइन करो. जो 1991 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो रीड कर सकता है, जो 6 year के अबव है. पहले तो उसका एज पता होना चाहिए ना, अभी जन्मता बच्चा तो बोल नहीं सकता ना, पढ़ नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता, ओके, राइट नहीं कर सकता. सो दैट इज़ वाई जो 6 year के मतलब 6 साल से ऊपर का कोई बच्चा है, इंडिविजुअल है और अबोव उसके ऊपर का, ठीक है, यानी कि 6 और उसके अबोव एज का कोई पर्सन है या बच्चा है, हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड एनी वन लैंग्वेज मे बी कंसिडर्ड एज लिटरेट. ओके, उसको लिटरेट कंसिडर किया जाएगा. द लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ बिन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली. अब लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया में धीरे धीरे जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, ये विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. तो ये पॉजिटिव साइन है ना, कोई अच्छी चीज़ अगर इंक्रीमेंट आ रहा है, अच्छी चीज़ में लिटरेसी इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव साइन है. ओके, क्योंकि अगर लिटरेसी इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स हमारा इंडिया क्या करेगा, डेवलप करेगा, हमारी इंडिया कंट्री डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री में आज भी गिनी जाती है वो इसकी वजह से, क्योंकि लिटरेसी रेट जो है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज़ कर रहा है. अब यहाँ पे ये टेबल है, इसको आप खुद से लर्न कर सकते हो बेटा. यहाँ पे ईयर वाइज जो है वो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल एंड फीमेल का दिया है, बट अगर सेपरेट हम जानना चाहें तो कितने नंबर ऑफ मेल जो है वो लिटरेट है और कितने नंबर ऑफ़ फीमेल, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फीमेल का जो लिटरेसी है वो थोड़ा कम है. ओके, नाउ स्टेट वाइज अगर आप देखो, पहले पूरा कंट्री इंडिया का टोटल दिया है परसेंटेज में. ओके, लिटरेसी रेट पर 1000 people, पर 1000 people को हम परसेंटेज में बोलते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज में है, तो इंडिया का लिटरेसी रेट जो है वो 74.04 है. एंड इटली लिटरेसी रेट फॉर मेल्स, मेल के लिए अगर बात करें तो 82 point something है, और लिटरेसी रेट फॉर फीमेल्स बात करें तो वो 65.46 something है. ओके, इन दोनों का जब एवरेज लेंगे तो हमें टोटल रेट मिलेगा लिटरेसी का इन इंडिया. ओके, नाउ स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो इस तरह से लिटरेसी रेट गिवन है, पहले टोटल देन मेल और फीमेल का सेपरेट गिवन है. ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी. देखो लिटरेसी में अगर गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है वो अहमदाबाद पहले नंबर पे आता है, देन सूरत, आणंद, गांधीनगर एंड खेड़ा, ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है जो लिटरेसी में टॉप 5 में आते हैं. ये फर्स्ट पोजिशन पर है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर है जो आपको इस पे से देने, विच हैज स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट लिटरेसी रेट. अब कौन से स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो आपको बतानी है इस टेबल पे से, ठीक है. सो दिस टेबल, फ्रॉम दिस टेबल यू हैव टू आंसर दिस फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट. कौन से स्टेट में लोएस्ट लिटरेसी रेट है,
तो पहले हाईएस्ट लिटरेसी रेट, देन लोएस्ट लिटरेसी रेट, एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन यहाँ पे आपका गिवन है। ओके, स्टेट का अगर आपको हाईएस्ट और लोएस्ट देखना है तो इसके लिए टोटल डेटा आपको देखना है। ठीक है, मेल और फीमेल का सेपरेट पूछे तभी लिखना है, अभी आपको टोटल लिटरेसी हाईएस्ट और लोएस्ट में पूछा है तो इसके हिसाब से आप आंसर कीजिए यहाँ से स्टेट वाइज। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात हैज़ सिमिलर लिटरेसी रेट। गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सिमिलर रेट है। सिमिलर रेट किस में आ रहा है बेटा? केरला, अहमदाबाद और सूरत। ठीक है, बट उसमें मेल और फीमेल का जो है वो थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, पर अगर एवरेज करें तो दोनों का सेम आता है। ठीक है, अहमदाबाद और सूरत जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके गुजरात के ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सिमिलर मतलब एक जैसा लिटरेसी रेट आ रहा है। देन क्वेश्चन फाइव, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर अ लो लिटरेसी रेट। अब लो लिटरेसी रेट का पॉसिबल रीज़न क्या होता है? लड़कियों को पढ़ाना लिखाना कम होता था पहले, उस टाइम की वजह से क्या हो रहा है, लो लिटरेसी रेट हो रहा है। देन आज के टाइम पे देखिए तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है क्योंकि अभी गर्ल्स चाइल्ड भी क्या करें, गर्ल चाइल्ड भी पढ़ रही है। ठीक है, नाउ हम अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी जो है वो कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मेन फैक्टर है। एनी पर्सन इन द कंट्री इंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्लूड इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप। इसको अंडरलाइन करो, ऑक्यूपेशनल ग्रुप मतलब ऑक्यूपेशन, मतलब हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, हम क्या काम करते हैं, हमारा जॉब क्या है। कोई भी पर्सन अगर वो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है तो किस चीज़ में, कौन से ऑक्यूपेशन में उसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ठीक है, सो एनी पर्सन इन द कंट्री इंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अगर वो कोई काम करता है तो उसको उसकी पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलता है। ठीक है, मंथली या फिर डेली मिलता है या फिर वीकली मिलता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई भी पर्सन इंगेज्ड है, जुड़ा हुआ, इंगेज मीन्स जुड़ा हुआ रहना, इट इज़ इंक्लूड इन द ऑक्यूपेशनल ग्रुप। तो उस पर्सन को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे ऑक्यूपेशनल ग्रुप में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, अब ये जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप है उसको अर्निंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, एक तो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऑक्यूपेशन मतलब एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मींस हम किसी के अंडर जॉब कर रहे होते हैं। दूसरा है कि हम खुद से अर्न करते हैं। ठीक है, सो अर्निंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन दोनों ही ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, बट एक क्या कर रहा है, खुद का बिजनेस है मान लो कि, तो उसको बोलेंगे अर्निंग पॉपुलेशन। तो मान लो कि ऐसे सारे इंसान जो इनका खुद का बिजनेस है, दे आर इन्वॉल्व इन द अर्निंग पॉपुलेशन। सेकेंड है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, मीन्स हमें कोई सैलरी देता है, हम किसी के अंडर जॉब करते हैं, हम किसी की कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन होती है, इस तरह के जो लोग होते हैं, दैट आर इन्वॉल्व इन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। द अर्निंग पॉपुलेशन इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो अर्निंग पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रैपिडली क्या कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है हमारी कंट्री में, इस वजह से क्या हो रहा है, अर्निंग पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, नाउ चेंज इन पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन में चेंज कैसे आता है? ठीक है, हमने ये अभी तक जो है वो पॉपुलेशन कंपोजिशन के फैक्टर्स के बारे में बात की कि पॉपुलेशन जो है वो कंपोजाइट कब होगा, कौन से फैक्टर के थ्रू कंपोजाइट होता है, बट अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो वो चेंज कैसे, किस तरह का हो सकता है? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो कौन से है? पहला है क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड सेकेंड है क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस मीन्स ये क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कोई किसी चीज़ का नंबर। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, मीन्स हम नंबर ऑफ़ पीपल के बारे में बात करेंगे, सो दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव। ओके, अब इसमें चेंज आना मीन्स नंबर ऑफ़ पीपल का जो डिक्रीमेंट होता है, पॉपुलेशन हमेशा सेम नहीं रहता, मैंने बोला था वो डिक्रीमेंट होता है, कभी इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि वो डेथ रेट और बर्थ रेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो डेथ रेट और बर्थ रेट में वेरिएशन आता है तो पॉपुलेशन में भी वेरिएशन आएगा, सो दैट इज़ वाई क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए पॉपुलेशन कंपोजिशन के टू टाइप्स हैं, तो उसमें पहले टाइप को हम क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं।
समटाइम्स वी नोटिस अ राइज और अ फॉल इन पॉपुलेशन. ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब यही हुआ बेटा कि हम पॉपुलेशन में राइज यानी कि बढ़ावा देखते हैं, फॉल यानी डिक्रीमेंट देखते हैं. ओके, सो दिस हैपन्स ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ, कभी कभी क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब बढ़ जाती है पॉपुलेशन, एंड कभी कभी फॉलिंग होता है पॉपुलेशन में, दैट मीन्स पीपल माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं. तो जहाँ से वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट आएगा, और जहाँ पे वो शिफ्ट हो के रह रहे हैं, सेटल हो गए हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. सो इस तरह से जो है वो पॉपुलेशन में राइज एंड फॉल देखने को मिलता है. द कंडीशन लीडिंग टू अ क्वांटिटी चेंज आर लैंडलेसनेस. ओके, अब क्वांटिटेटिव चेंजेस को लीड करने की कंडीशन क्या है? लैंडलेसनेस. लैंडलेस मतलब जिसके पास खुद की जमीन नहीं है. तो ऐसे जो इंसान है उनको लैंडलेसनेस कहा गया है. लो पर हैंड लैंड रेशियो, और उनका जो हैंड लैंड रेशियो है, उनके हाथों में जो जमीन है थोड़ी बहुत, वो लो है, बहुत कम है. अर्बनाइजेशन, लोग जो है वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण. शहरीकरण कब होगा? जब विलेज छोड़ के लोग जो है वो सिटी की तरफ रन करेंगे. दैन एज वेल एज अ सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और कई सारे सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है. ठीक है, नाउ सेकेंड इज क्वालिटेटिव चेंजेस. क्वालिटेटिव चेंजेस कब होते बेटा? द चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द लेवल्स ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेट क्वालिटेटिव चेंजेस. ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है. जो पॉपुलेशन इंडिया की है, उस पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो हेल्थ अच्छी, कितने लोगों की हेल्थ अच्छी है, कितने लोग एजुकेटेड है, तो ये क्वालिटी बता रहा है. पीपल्स की क्वालिटी को डिनोट कर रहा है. हेल्थ एंड एजुकेशन इज डिनोटिंग द क्वालिटी ऑफ द पर्सन. ओके, सो दैट इज़ वाई इसको हम क्वालिटेटिव चेंज में कंसिडर करेंगे. ओके, लोगों की हेल्थ और एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई चेंज आएगा, सो वो क्वालिटेटिव चेंज के अंदर लाई करेगा. ओके, इट अल्टर्स द वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर एज वेल एज स्टाइल एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, ये चीज़ क्या करेगा, जो क्वालिटेटिव चेंज है उसमें अगर चेंज देखने को मिलेगा क्वालिटी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, थिंकिंग एंड बिहेवियर. उसको क्या बोलेंगे, लोगों की थिंकिंग कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उस पर उनका हेल्थ और एजुकेशन का क्वालिटी डिपेंड करेगा. ओके, एज वेल एज उनका स्टाइल कैसा है रहने का, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड मतलब लाइफ में उनका स्टैंडर्ड कैसा है, जहाँ पे वो रहते हैं उनका स्टैंडर्ड कैसा है. सो द अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटेटिव चेंजेस आर डेडिकेशन, हार्डवर्क, पेट्रियोटिज़म, एंथुसियाज्म, करेज एट्सेट्रा. ये सारे रीज़न किसके हैं बेटा, ये दिस फैक्टर ब्रिंग अबाउट सोशियो कल्चरल चेंजेस. मिनट बेटा, हाँ तो यहाँ पे हम थे कि ये जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर बेटा, क्वालिटेटिव चेंजेस के लिए कुछ फैक्टर है. कौन कौन से फैक्टर है? डेडिकेशन. ठीक है, लोगों का ध्येय क्या है, डेडिकेशन क्या है, गोल क्या है, हार्डवर्क, अब उस गोल के लिए वो कितना हार्डवर्क करते हैं, पैट्रियोटिज़म. ठीक है, देश भावना, किसी जो और किसी काम को करने के लिए जो भावना रहती है वो पैट्रियोटिज़म. एंथुसियाज्म मतलब उस काम को करने के लिए उसके अंदर उत्साह भी होना चाहिए. ठीक है, एक्साइटमेंट भी होना चाहिए ना, कि किसी काम को लेकर हम कितना एक्साइटेड है, सो दैट इज़ एंथुसियाज्म. करेज, उसके लिए अभी किसी काम को करने के लिए आपके पास करेज भी होना चाहिए, एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें क्या बताती है, आपकी क्वालिटी को डिनोट करती है. ठीक है, आपकी क्वालिटी जो है वो चेंज, उसमें चेंज आता है, उसके लिए ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन कौन से फैक्टर? डेडिकेशन, हार्डवर्क, पेट्रियोटिज़म, एंथुसियाज्म, करेज एट्सेट्रा. दीज फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट सोशियो कल्चरल चेंजेस, और इसकी वजह से जो है वो हमारे सोशियो सामाजिक सांस्कृतिक चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारी लाइफस्टाइल में. नाउ रिलीजियस ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. ठीक है, अब क्वालिटेटिव चेंजेस भी जो है वो फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है. उसको पहले हम रिलीजियस ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे. इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, आपको पता है ना, इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है.
धर्म सांप्रदायिक स्टेट जिसको बोला जाता है, पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन। आपको पता है कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुस्लिम और सिख ईसाई इस तरह के कई सारे लोग रहते हैं हमारे, ये सारे रिलीजन से रिलेटेड पीपल हमारी इंडिया कंट्री में रहते हैं। सो पीपल हु फॉलो मतलब जो फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन स्टे टुगेदर हियर, वो यहाँ पे आराम से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, टुगेदर मतलब साथ में। अमॉन्ग ऑल द रिलीजन्स हिंदू आर इन मेजोरिटी फॉलोड बाय मुस्लिम, ठीक है, तो हिंदूज़ की मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, भले मतलब डिफरेंट रिलीजन के पीपल्स रहते हैं बट हिंदू की मेजोरिटी ज़्यादा है बाय मुस्लिम, फॉलोड बाय मुस्लिम। उसके बाद क्या होती है, मुस्लिम की कम्युनिटी आती है, देन क्रिश्चियन, देन सिख्स एंड बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसिस्ट। तो जैसे जैसे लास्ट में जा रहे हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है बेटा, ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले हिंदू देन मुस्लिम और फिर लास्ट में जाते जाते ये डिक्रीज हो जाता है। तो पारसी जो है उनकी कम्युनिटी बहुत कम है इंडिया में। सो ये रिलीजन ग्रुप हो गए। अब हम लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करेंगे। सो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विद द डाइवर्सिटी एज इट प्राइम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, आपको पता है ना कि इंडिया में कई सारे डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डिफरेंशियबिलिटी, लोग एक जैसे नहीं है ना, सारे अलग अलग हैं। सो उनमें कई सारी चीज़ों में मतलब क्या देखी जाती है, डाइवर्सिटी, डिफरेंशियबिलिटी देखी जाती है, ठीक है, लोग एक दूसरे से रिलीजन के टर्म्स में, फिर उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, फिर उनका मतलब जो क्लोथिंग वियरिंग समथिंग एंड फूड से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें और फेस्टिवल, इन सब में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। करंटली देर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई हैं डाइवर्सिटी की वजह से। हिंदी एंड इंग्लिश आर द टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, ये हर स्टेट में यूज़ की जाती है, ठीक है, इंडिया के। द स्टेट्स हु हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, और उसके बाद में अलग अलग अदर स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, वो तो रहेंगी ही, बट हिंदी और इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नाउ हम हेल्थ स्ट्रक्चर पे आते हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर भी जो है वो पॉपुलेशन कंपोजिशन में अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है, उसके धर्म से रिलेटेड, उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है दैट इज़ इकोनॉमिक, ठीक है, वो गरीब है या अमीर, उस पर उसकी हेल्थ भी डिपेंड करती है। देन सोशल, वो कैसे किस तरह के समाज में रहते हैं उस पर डिपेंड करती है। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये सारे फैक्टर जो है वो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्थ इन सारी फैक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाएगी, ठीक है। द बेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ हेल्प्स इन फोस्टरिंग द प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, अगर हेल्थ का लेवल आपको अच्छे से डिफाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल डेवलपमेंट को फोस्टर करने में हेल्प करने के लिए जो है बेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ है वो डिफाइन होगा। नाउ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अगर हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बात करें तो वो क्या होगा बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज़ इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो नेशन का जो वेल्थ और स्ट्रेंथ होता है वो उसकी पॉपुलेशन होती है, इसको अंडरलाइन करो, नेशन की पॉपुलेशन उसके लिए उसका वेल्थ और स्ट्रेंथ दोनों होती है, क्योंकि ये जो इंडिया का और किसी पर्टिकुलर कंट्री का पॉपुलेशन ही होता है जो उसके लिए वेल्थ और स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इसीलिए बोला गया है द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। इफ़ द ह्यूमन रिसोर्स इज़ एजुकेटेड, अगर मान लो कि जो इंडिया के हमारे मतलब किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही एक नेशन है और भी कई सारे नेशन हैं, तो किसी पर्टिकुलर नेशन की जो ह्यूमन रिसोर्स है मतलब जितने भी पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, ट्रेंड है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, देन इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, तभी वो क्या करेगी हमारे नेशन मतलब पर्टिकुलर नेशन का डेवलपमेंट में फोस्टर करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है, मतलब नेशन को डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी, अदरवाइज वो अनहेल्दी, अनट्रेंड, अनएजुकेटेड पीपल होंगे एंड वीक पर्सन्स होंगे, तो क्या वो नेशन की डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि पॉपुलेशन होता है किसी नेशन का वो उसकी वेल्थ और स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए हमें मतलब हमारे नेशन की पॉपुलेशन
एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अ केयरफुली प्लान्ड यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। जो केयरफुली प्लान्ड ह्यूमन रिसोर्स होगा वो क्या करेगा, फाउंडेशन बिल्ड करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। टू कीप द पेस विद द डेवलपमेंट डेवलप्ड, यहाँ पर डेवलप्ड नेशन की बात हो रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलप्ड। अगर मान लो कि कोई नेशन डेवलप्ड है, ठीक है, बट अगर वो डेवलप्ड ही रहे आने वाले कुछ सालों के बाद भी वो डेवलप्ड ही रहे, उसके लिए क्या है कि जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप्ड रहना चाहिए, कभी भी उसमें डिक्रीमेंट नहीं आना चाहिए। अभी एजुकेटेड है तो बाद में उसकी एजुकेशन का जो रेट है, लिटरेसी रेट है, वो डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा किसी और फैक्टर में भी हो सकता है, अब सेक्शन रेशियो में भी हो सकता है, एज ग्रुप में भी हो सकता है, ठीक है, हेल्थ रेशियो में भी हो सकता है, ओके। सो द फैक्टर्स दैट आर हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड और कंट्रोल्ड। जो फैक्टर हमारे नेशन की प्रोग्रेस को हैम्पर करें, रोकने की कोशिश करें, उनको एलिमिनेट करना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। एलिमिनेट मतलब पूरी तरह से रिमूव कर देना चाहिए या फिर उनका कंट्रोल करना चाहिए। उनको कंट्रोल करेंगे तो हमारे नेशन की प्रोग्रेस अच्छे से रहेगी। देन ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन मतलब हद से ज़्यादा पॉपुलेशन is the one or such factor which has to be dealt with as per the population policies adopted since 1951। सो आपने देखा कि 1951 से जो है वो population consistently क्या कर रहा है, increment हो रहा है उसमें। सो ये over population को leading करता है, ठीक है। सो इसको control करना चाहिए as a part of national population policy। तो national population की पॉपुलेशन पॉलिसी के पार्ट की अगर हम बात करें, सो वेरियस प्रोग्राम्स लाइक न्यूट्रिशियस फूड प्रोग्राम, केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एट्सेट्रा मस्ट रीच टू द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो इनको ग्रास रूट लेवल पे रीच करना है, मीन्स ये सारी चीज़ों को हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि हमें अगर मान लो कि कोई विलेज एरिया में कोई मतलब ऐसा पर्सन है, पेशेंट है, जो जिसको न्यूट्रिशंस की कमी है, तो उसको न्यूट्रिशंस रिच फूड देना चाहिए। उसके लिए हमें प्रोग्राम चलाना चाहिए, न्यूट्रिशंस फूड प्रोग्राम, एंड मदर और चाइल्ड का कोई जो लेडी प्रेगनेंट है उसकी और उसके बच्चे की केयर करनी चाहिए उस टाइम पे, देन प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए सबको, इस तरह की फैसिलिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इवन द 5 ईयर प्लान्स आर मेड कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का 5 ईयर का प्लान है इन फोकस, इसको फोकस में लाया गया, ठीक है। ये 5 सालों तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और फिर उसके बाद में इसका सर्वे किया जाएगा कि इस प्लान के बाद कितना चेंज आया है, ठीक है। सो वी मस्ट रिजॉल्व द कंट्रीब्यूट एज कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स टूवार्ड द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ठीक है। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज अ कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, क्योंकि हम भी हमारी कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में काउंट होते हैं। तो टूवार्ड द नेशंस प्रोग्रेस हमें भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। हेल्दी इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया, ठीक है, इंडिया हेल्दी रहेगा तभी वो प्रॉस्पेरस बनेगा, समृद्ध बनेगा, वेल्दी बनेगा, ओके। सो आपने देखा होगा, देर इज़ अ हेल्थ, देर इज़ अ वेल्थ, ओके। सो दैट कंट्री इज़ प्रॉस्पेरस हुज सिटीजन्स आर मेंटली एंड फिजिकली प्रॉस्पेरस, ठीक है। और वही कंट्री प्रॉस्पेरस यानी कि वेल्दी और समृद्ध हो सकती है जिसके सिटीजन्स मेंटली और फिजिकली प्रॉस्पेरस होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी है। मेंटली और फिजिकली प्रॉस्पेरस का मतलब यही होता है कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है वो पर्टिकुलर कंट्री के जो है वो प्रॉस्पेरस बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। विल सेंड यू द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एज वेल एज द वर्कबुक एक्सरसाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।